स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, सो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम हमारा टॉपिक देख रहे थे क्वार्टाइल डेविएशन। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस बताए थे, और आज मैं आपको उससे थोड़ा और इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो क्वार्टाइल डेविएशन में हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इंडिविजुअल सीरीज की। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, 18, 25, 8, 15, 30, 5, 40 और 20, ये हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है डाटा को। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैंने छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया, 5, 8, 15, 18, 20, 25, 30 और 40। अब Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4th term। तो स्टूडेंट n प्लस, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 8+1/4th item। तो 8th आइटम की वैल्यू आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारी हम पहले 8+1 करेंगे, यानी कि 9/4th item। तो 9/4th item में कितना आएगा हमारा, डिवाइड किया तो 2.25th term। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो हमारे लिए अब ये कैलकुलेट करना मुश्किल है कि हम लोग कैसे पता है कि भाई कौन सा सीरीज Q1 होगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला है जो कि हम अप्लाई करेंगे। जब भी आपको इस तरीके की वैल्यूज दिखे, मतलब पॉइंट में जब भी आपका ये आता है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहले जो यहाँ वाला 2 है उसको लेना है सेकंड टर्म, फिर आपको लिखना है प्लस, अब ये जो बाद की टर्म है 2.5, इसमें क्या लिखना है, +2.5। फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करना है, 2.25 कहाँ लाई करता होगा, थर्ड, मतलब सेकेंड या थर्ड। तो आपको क्या करना है, थर्ड आइटम में से सेकेंड आइटम को लेस करना है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, जब भी पॉइंट का आ जाए तो आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले यहाँ वैल्यू देखो सेकंड टर्म, फिर प्लस जो इसके पीछे, अगर इसके पीछे 6-7 होता, अगर इसके पीछे 8-7 होता, 2-5 होता, 2-5 तो इसमें है ही सही, 6-4 होता, 5-6 होता, कुछ भी होता, तो जो भी इसके पीछे होता वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है एज इट इज पॉइंट वाली। तो यहाँ पर पीछे क्या था, 2.25 था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 0.25। अगर यहाँ पर 6-7 आता तो मैं क्या लिखती, 0.67। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन में जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है वही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी होती है। और उसके बाद थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए 3.25 होता तो मैं क्या करती, 4th item - 3rd item लिखती, क्लियर। तो इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन सा है हमारा, 8, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया, प्लस 0.25, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, तो थर्ड आइटम कौन सा, 15 - 8। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब Q1 की वैल्यू 8+0.25 × 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। तो 8+1.75 दैट इज 9.75। तो ये हमारा Q1 निकल गया, और Q3 की हमारी क्या निकलेगी, n+1/4th term। तो Q3 कैसे निकालेंगे, 8+1/4 यानी 8+1/4th, यानी कि 3 × हम 8, ये 8+1/4th यहाँ निकाल चुके हैं वैल्यू, तो 2.25, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.25 से, तो कितनी वैल्यू आ गई Q3 की, 6.75। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी हम हमारे पास क्या आ रहा है, सेम वही, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 6.75 टर्म आ रही है। तो इसको भी हम लोग कैसे, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 6th term प्लस मैंने कहा था उसके पीछे जो डिजिट हो 0.75, 7th term - 6th term। तो आप वैल्यू देख लीजिए, 6th term कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 25 + 0.75, उसके बाद वाली टर्म 30, 30 - 25, दैट इज 25 + 0.75 × 30 - 25, दैट इज 5, यानी कि 25 + 3.75 कितना आ जाएगा, 28.75। अब हमें फॉर्मूले में क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है QD में, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 - Q1/2। तो Q3 मेरे पास कितना आ गया, 28.75, और Q1 कितना आ गया मेरे पास, 9.75 / 2, दैट इज 9.5। और कोफिशिएंट निकालना है, तो Q3 - Q1/Q3 + Q1 परसेंटेज में करूंगी, तो इनटू 100, तो परसेंटेज में कैसे निकल जाएगा, 28.75 - 9.75, Q3 - Q1, और Q3 + Q1 भी वही वैल्यू प्लस में आ जाएगी, आपस में डिवाइड कर दीजिए, 24.67%। ये आंसर हो गया। और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ अ ईयर। अब हमें मंथ दे दिया, इनकम दे दी, अब हमें क्या निकालना है इसका,
क्यूडी निकालना है, कोटाइल डिवीजन निकालना है, कॉफिशिएंट निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, ये भी हमारे पास इंड्यूजुअल सीरीज है। अगर हम देखें तो टोटल एन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 12, क्योंकि 12 मंथ्स के, 12 मंथ का हमें डाटा दे दिया। और अगर हम इसको देखें तो ऑलरेडी सीरीज क्या है, अरेंज है, ऑलरेडी छोटे से बड़े में दे रखी है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 139, 140, 141, 141, 142, 142, 142, 143, 144, 144, 145। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया। तो नंबर ऑफ आइटम मेरे पास 12 है, तो क्यू वन का फॉर्मूला एन प्लस 1/4, दैट इज 12 + 1/4, 13/4, तो कितना आ गया 3.25। वापस से 3.25 किस में आया, पॉइंट में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड आइटम प्लस 0.25, फोर्थ माइनस थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी है 140 + 0.25, फोर्थ आइटम की वैल्यू कितनी है 141 - 140, तो 140 + 0.25 × 1 दैट इज 140.25। ये Q1 आ गया 140.25। नेक्स्ट हम बात करेंगे Q3। Q3 कैसे निकलेगा, 3n + 1/4th आइटम, तो 3 × 3.25 दैट इज 9.75th। तो 3 × 3.75 मतलब, हाँ अब ये भी कितना निकल गया 3 में, अब जब मैं मल्टीप्लाई किया तो 9.75 आया। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 9 टर्म + 0.75, 10th - 9th टर्म। तो 9 टर्म कितनी हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 143। तो 143 + 0.75, 10th आइटम, 144, और हमारा उससे पहले 9th आइटम - 143 टर्म। तो 143 + 0.75 - किया हमने 1, और इनको क्या 143 + 0.75 डेट इज 143.75। ये हमारा Q3 की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए Q3 - Q1/2 डेट इज 143.75 - 140.25/2। तो क्या आ जाएगा, 3.5/2 डेट इज 1.75। और कॉफिशियंट ऑफ QD का फॉर्मूला लगा लेंगे, वो कैसे आएगा, Q3 - Q1/Q3 + Q1 × 100। तो 143.75 Q3 की वैल्यू -140.25 Q1 की वैल्यू, Q3 + Q1 वही 143.75 + 140.25 × 100। तो इन दोनों को माइनस किया तो 3.5, इन दोनों को प्लस किया तो 284 × 100। तो आंसर कितना आ गया 1.23। सो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, आपको ये क्वेश्चंस कराने का जितने टिपिकल हो सकते थे इंड्यूजुअल सीरीज के, वो मैंने करा दिए। आपको ध्यान रखना है इसमें जहां पर भी पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसको आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, पहले आपको वही टर्म लेना है, उसके बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आपको उसमें लेनी है, और फिर आपको जो भी वैल्यू है, 3rd - 4th, 5th - 6th, जो भी है, वो चीज आपको इस तरीके से करनी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आपका ये करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।